आपका यहाँ दिल्ली में आने का बहुत बहुत स्वागत है। आप उज्जैन से हैं, इतनी दूर से हैं, इतना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उसके पीछे ये है कि यह पूरा राष्ट्र दिल्ली से चलता है, दिल्ली केंद्र में है, ये राजधानी है, कैपिटल है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब हम पूरे राष्ट्र के उत्थान की भावना लेकर के जब काम कर रहे हैं, हमारी दो ही भावनाएं हैं, एक तो धर्म उत्थान यानी धर्म रक्षा और दूसरी है राष्ट्र रक्षा। अब राष्ट्र रक्षा किस दृष्टिकोण से हम करना चाहते हैं वो आपको समझना होगा। जैसा कि भी आपने देखा था, धर्म की बात सब करते हैं लेकिन धर्म कहाँ मतलब हार रहा है या तो कहाँ धर्म की हानि हो रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमने देखा कि रामायण सर्किट ट्रेन में बेटर जो है भगवा ड्रेस पहन रहे हैं, हमने तुरंत उसका विरोध किया, रेल मंत्रालय ने तुरंत उस गलती को स्वीकार किया, माफ़ी मांगते हुए चलती हुई ट्रेन में ड्रेस कोड को चेंज किया। उसी के उपलक्ष्य में आज मिशन ने भी हमारा स्वागत किया, यहाँ आपने देखा। मिशन की मैं बात कहना चाहूँगा कि इस देश को ठीक दिशा देने के लिए हम पाँच उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन। पहला उद्देश्य है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, मध्य प्रदेश सरकार की और अन्य सरकारों की और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब जमीनी स्तर तक पहुंचे, मठ मंदिर सरकारीकरण से मुक्त हों और हिंदू धर्म पर जो आक्रमण हो रहे हैं, चाहे हिंदू धर्म के मठ मंदिरों पर हों या संतों पर, वो बंद हों। इन सब को लेकर के हम अभी काम कर रहे हैं। हमारे सामने कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, ये ज्वलंत मुद्दा है। अयोध्या में जिस प्रकार राम मंदिर बना है, हम ठीक वही स्वरूप हम कृष्ण जन्मभूमि का भी चाहते हैं। ऐसे अनेक मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। हमारे माननीय विनोद कुमार विद्यार्थी जी करीब 4 वर्षों से निरंतर प्रयासरत हैं इस कार्य के लिए, तो निश्चित रूप से पूरे देश में नरेंद्र मोदी विकास मिशन का विस्तार हो चुका है और अब हम पूरे प्रदेश में प्रदेश कार्यालयों का उद्घाटन करते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में नरेंद्र मोदी विकास मिशन एक ऐसा मिशन होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इस मिशन पर गर्व होगा। महाराज जी, क्वेश्चन ये है कि दिल्ली में कितने कार्यालय खोलने की योजना है? दिल्ली में हमारे प्रदेश कार्यालय खुल गया है, बाकी हमारे जो जिला कार्यालय हैं उनको आप अब यथाशीघ्र खोलेंगे, गठन हमारे यहाँ हो ही गया है। और निश्चित रूप से हमारे युवा हैं, ये बहुत ही सक्रिय हैं बबलू जी, और बहुत ही समर्पित भाव से काम करते हैं। मेरी इनके साथ शुभकामना है कि यथाशीघ्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। महाराज जी, नरेंद्र मोदी मिशन रखने का नाम रखने का प्रयोजन पीछे क्या था? प्रयोजन इसके पीछे ये था कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व पटल पर रोशन किया है, इसलिए विद्यार्थी जी भी हम सब लोग मोदी जी से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, पूरा देश प्रभावित है पर्सनली। तो उनकी जो योजनाएं थी, वो जो चाहते इस देश को की प्रगति करना, जिस ऊंचाई पर ले जाना, उनका जो मिशन है इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश का विकास करना है, सबका साथ सबका विकास, तो उसके साथ हमने एक कड़ी और जोड़ी। हमने कहा कि सबका प्रयास सबका साथ और सबका विकास, इस उद्देश्य से नरेंद्र